अस्सलाम वालेकुम। शाम के 5 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे को मौसर और फाल बनाने के लिए एक हफ्ते में सिफारिशात मुरतब करने की खातिर कमेटी तश्कील दी है। वजीर खारजा ने कहा है कि सी पैक जैसे मंसूबों से इक्तसादी तआवुन तंजीम के रुकन मुल्कों के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जा सकते हैं। सेनेट ने बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी से निजात के लिए इकदाम पर जोर दिया है। चीन ने ताइवान को फौजी तैयारों के आलात के फरोख की मंजूरी पर अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे को फाल और मौसर इदारा बनाने के लिए सिफारिशात को एक हफ्ते में हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पहले इजलास की सदारत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को सराहते हुए मुल्क में सलामती की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। वजीर आजम ने कहा कि नए जमीनी हकायक नेक्टा के किरदार का जायजा लेने के मुतकाजी हैं, ताकि इसे पूरी तरह फाल और एक वाज़ह जिम्मेदारी का हामिल मौसर इदारा बनाया जा सके। वजीर ख़ारिजा मख्तूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी जैसे इलाकाई रवाबित के मंसूबों से इक्तसादी ताबुन तंजीम के रुकन मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 73वें इजलास के मौके पर होने वाले इक्तसादी ताबुन तंजीम की वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल के 25वें गैर रस्मी इजलास से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ख़ारिजा ने इक्तसादी ताबुन तंजीम के प्लेटफॉर्म की अहमियत का एतराफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इक्तसादी ताबुन तंजीम के रुकन मुल्कों के साथ बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में साउथ कैरोलिना से ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जो विल्सन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया। उन्होंने पुरन हमसागी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन का भी जिक्र किया। रुकने कांग्रेस विल्सन ने खित्ते में मुश्तरक अहदाफ के हुसूल के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताबुन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। सेनेट के अरकान ने बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे से छुटकारा हासिल करने और बिजली की चोरी के खात्मे के लिए इकदाम करने पर जोर दिया है। जावेद अब्बासी ने गर्दिशी कर्जे के हवाले से सेनेट की खसूसी कमेटी की रिपोर्ट पर बहस शुरू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गुज़िश्ता हुकूमत ने कौमी ग्रिड में 11,000 मेगावाट बिजली शामिल की और 2013 में वर्षे में मिलने वाला गर्दिशी कर्जा अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पीटीआई की हुकूमत अपने दौर के आखिर तक सिस्टम में 12,000 मेगावाट बिजली शामिल करेगी और गर्दिशी कर्जों से छुटकारा हासिल करेगी। कौमी असम्बली में आज इंसानी हकूक के वजीर शीरी मजारी ने बताया है कि हिजब इख्तलाफ की जमातों से मुशावरत के बाद मुहाजरीन और पनाह गुजीनों के मुस्तकबिल की हैसियत के हवाले से पॉलिसी वज़ा की जाएगी। कौमी असम्बली में आज एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर बहुत से कानूनी सियासी और इंसानी उमूर शामिल हैं जिन पर शहरियत के हवाले से हतमी फैसला करने से पहले गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहारियों का मसला अफगान पनाह गुजीनों से मुख्तलिफ है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर अमीन असलम ने कहा है कि हुकूमत की शजरकारी मुहिम का इब्तदाई रद्द अमल इंतहाई हौसला अफजा है। आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि हमने इब्तदाई तौर पर एक दिन में 15 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। ताहम फाल शिरकत की बदौलत हमने 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जो इंतहाई शानदार कामयाबी है। बैनुल अक्वामी खबरों में आपको बताएं कि चीन ने अमरीका की जानिब से 33 करोड़ डॉलर मालियत के फौजी तैयारों के पुरजाजात ताइवान को फरोख करने की मंजूरी दिए जाने पर अमरीका से शदीद एहतजाज किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान गेंग शुआंग ने आज बीजिंग में रोजाना की न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख बैन अलाक्वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है जो चीन की सालमियत सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह है। तर्जमान ने अमरीका पर जोर दिया कि वो ताइवान
کے ساتھ مجوزہ فروغ کا فیصلہ واپس لیتے ہوئے اس کے ساتھ فوجی روابط منقطع کرے تاکہ اہم شعبوں میں امریکہ اور چین کے درمیان تعاون متاثر نہ ہو اور تائیوان میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے۔ اور اب آخر میں ایشیا کپ۔ دبئی میں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سپر فور مرحلے میں افغانستان نے بھارت کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7 اوورز میں 48 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔